अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियाल। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की मरहूने मन्नत होती है, इसलिए हमें दांतों की सफाई और हिफाजत बहुत जरूरी है हमारे लिए। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी यही है कि हम किस तरह अपने दांतों की हिफाजत कर सकते। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियॉन इवेंट्स एंड मार्केटिंग, और इसके अलावा कोलगेट कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट लीडर काम कर रहे हैं जनाब मुदस्सिर शेख साहब। मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। इनसे हम आज बात करेंगे कि किस तरह हम अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने दांतों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला मौजू है, लेकिन हमें इसकी अहमियत का बिल्कुल अंदाजा है। जनाब मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम इस पर भरपूर बात करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहनों में कोई इस मौजू से मुतल्लिका कोई सवाल है तो पूछने से मत कतराइएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर आप सवाल पूछें, मुदस्सिर साहब आपका भरपूर जो है जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर आप जिंदगी भर हंसते और मुस्कुराते रहना चाहते हैं तो ये शो एंड तक जरूर देखें। दर साहब, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का, जिनके तवस्त से मैं आज बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान में लोगों को बताऊंगा कि दांत साफ करना क्यों ज़रूरी हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हमारे दांत बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, और कुछ ऐसी छोटी छोटी सी नेग्लिजेंसीज हैं जो हम करते हैं डेली रूटीन में जिसकी वजह से हमारे दांतों में ख़राबी पैदा होती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांत जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो हैं दांत, आपको पता है अल्लाह ताला की, मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ी नेमतों में से एक चीज़ है दांत, और हमने इसको बिल्कुल निग्लेक्ट किया हुआ है। हम लोग ब्रश नहीं करते जिसकी वजह से जो है हमारे दांत ख़राब होते हैं। तीन चार जो बेसिक वजूहात हैं जो मैं आपको आज बता दूँ सब लोगों को कि दांतों के ख़राब होने की वजह क्या हो सकती है। सबसे बड़ी सर वजह दांत ख़राब होने की यही है कि आप ब्रश नहीं करते। ब्रश ना करना और ब्रश गलत टाइम पर करना, ये दांतों की खराब होने की सबसे बड़ी वजह है। और आजकल जो हम लोग जंक फूड खा रहे हैं और रात को ब्रश ना किए बिना जो हम सोते हैं, उसकी वजह से हमारे दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र के अंदर उनके दांतों के अंदर काले निशानात, जिनको हम बच्चों की लैंग्वेज में कीड़ा कहते हैं और हम डेंटिस्ट्री में उसको हम कैविटी कहते हैं, वो बिल्कुल कैविटी बनने की सबसे बड़ी वजह, दांतों के खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हम लोग रात को ब्रश करके सोएं। इसकी मैं मिसाल कुछ इस तरह से देता हूँ कि जैसे आप लोग एक बर्तन के अंदर आप खाना खाते हैं, तो बर्तन को खाना खा कर अगर आप उसको ओवरनाइट वैसे ही रख देंगे किचन के अंदर, तो सुबह तक उस बर्तन के अंदर से इंतहाई गंदी एक स्मेल आएगी और आप उसको बगैर धोए खाना नहीं खाएंगे। तो ये हमारा ज़मीर कैसे गवारा कर जाता है कि हम लोग रात को खाना खाकर मुंह बंद करके सो जाते हैं और सुबह उठ के और फिर से दोबारा से अपनी उसी रूटीन में वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब भी देखें आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसके 20 मिनट के बाद हवा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और आपके मुंह के अंदर मौजूद जो सलाइवा होता है, इसे हम थूक कहते हैं, उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो हमारे मुँह के अंदर बचे हुए खाने के साथ रिएक्ट करते हैं, उससे हमारे मुँह के अंदर बदबू भी पैदा होती है और हमारे दांतों में कैविटीज बनना स्टार्ट होते हैं, यानी दांतों के अंदर सुराख हो जाता है। उसको हम खोड़ भी कहते हैं आम जुबान में, कि दांत के अंदर जब कुछ खाते हैं तो उस सुराख में कुछ फंसना शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ फिर ब्लीडिंग भी होती है और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जो दांत खराब होने की सबसे मेन वजह है रात को ब्रश ना करना। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, मैंने काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चन इसके आंसर भी दे दिए, लेकिन जो मेन वजह है कि रात के वक्त ब्रश ना करना, इस वजह से हमारे दांत बहुत ज्यादा खराब होते हैं। यानी जो कैविटीज हैं या दांतों का कीड़ा है वो नेचुरली नहीं होता, वो हमारा अपना फॉल्ट होता है इसमें। सही, जी आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। हमारा अपना एक फॉल्ट। क्वेश्चन भी हमें आया था कि जी ब्लीड गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आना, इसकी क्या वजूहत होती है? बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं, तो इसका क्या हल होता है, उसकी क्या वजह होती है? जी जी ब्लीडिंग गम्स की सबसे पहले तो मैं आपको वजह बताता हूँ क्या होती है कि हम लोगों में से, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ और बहुत सारे, आप किसी भी जनरल पर्सन को ले लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही किसी बंदे ने अपनी ज़िंदगी में डेंटिस्ट के पास जाके पूछा हो कि डॉक्टर साहब
हमें कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे दांतों के लिए कौन सा ब्रश ठीक है, हमें कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। हम ज्यादातर तो फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बहन भाई को, जो वो यूज कर रहे होते हैं हम वही इस्तेमाल करते हैं। देखें, ब्लीडिंग गम्स की सबसे सही बड़ी वजह होती है ब्रश का खराब होना या ब्रश हार्ड इस्तेमाल करना। देखिए, मार्केट में तीन चार तरह के ब्रशेज अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। जो कि डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि आपने सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना ताकि आपके मसूड़े खराब ना हो। देखें, जब आप किसी चीज को जितना जोर से रगड़ेंगे वो उतनी ही जल्दी खराब होगी। तो ना तो हम लोगों ने कभी किसी से पूछा कि हमने ब्रश कैसे करना है, और ना ही हमें ये पता है कि हमने ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है। तो इस जैसे जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइविंग सीखते हैं, इसी तरह हमने दांत साफ करना कभी नहीं सीखा होता। तो अगर हम दांत अच्छे बिल्कुल तरीके से साफ करना सीख लें, ब्रश, कुछ लोगों को मैंने देखा है उनके ब्रश का जब तक आखिरी बाल नहीं रह जाता वो उस ब्रश को फेंकते नहीं। लेकिन जो सही डेंटिस्ट रेकमेंड करते ऐसे हैं कि तो आपने हर 3 माह से पहले पहले अपने ब्रश को तब्दील कर लेना और हमेशा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है। तो हम अगर सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ब्लीडिंग गम का मसला तकरीबन 90% वो रुक जाएगा। तो ब्लीडिंग गम की मेन वजह ब्रश का खराब होना या ब्रश का बहुत ज्यादा हार्ड होना है। सही। आगे बढ़ते हैं, टूथ लॉस के बारे में बता दें कि दांत अगर गिर जाते हैं बुढ़ापे की तरफ, जब खास तौर पर इंसान जाता है तो दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी क्या मेन वजह है और क्या इससे बचा भी जा सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी तो पहले मैं आपको एक मेन वजह बताता हूँ। जो डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आपने दिन में 2 मरतबा ब्रश करना है। लेकिन हमारी जो सही एक घर की रूटीन बननी होती है, हम लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं, उठ के सबसे पहले हम दांत साफ करते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद हमारे मुंह के अंदर जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उसकी वजह से सारा दिन हमारे मुंह के अंदर से स्मेल भी आती है, हमारे दांतों का कलर भी येलो होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे दांत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, रात के टाइम भी ब्रश नहीं करके सोते। तो सुबह के टाइम मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि आप प्लीज कोशिश करें कि सुबह के वक्त हमेशा नाश्ते के बाद, यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट, आप ब्रश करें। क्योंकि जब कोई चीज गंदी अच्छा, होती है तो हमने उसको तभी साफ करना होता है, नाश्ते के बाद हमारा मुंह गंदा हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना चाहिए ताकि सारा दिन हमारा मुंह फ्रेश रहे जब तक हम कुछ खाएं ना। तो अब जो आपका क्वेश्चन मेन था वो ये था कि हम टूथ लॉस कैसे होता है। टूथ लॉस ऐसे होता है कि हमने बहुत ज्यादा लापरवाही की होती है, बहुत ज्यादा कैंडीज, टॉफी, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें खाई होती हैं, और हमारी ब्रशिंग ऐसी होती है कि हम अपने दांतों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हम इतनी जोर जोर का दांतों को रगड़ते हैं कि हमने बस इसको आज ही साफ कर लेना है, और उसके बाद शायद हमने 1 हफ्ता या महीना ब्रश नहीं करना। तो टूथ लॉस की इससे मेन वजह होती है कि हमने अपने दांतों को बहुत ही आराम से जेंटली साफ करना होता है। सिर्फ 2 बातों को आप फॉलो करें सबसे पहले आपने सुबह के टाइम आपने ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करने की आदत डलवानी है लोगों से कि आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें ताकि आपके मुंह के अंदर जितना भी आपके मुंह में बैक्टीरियाज बने हैं वो कम से कम बने। और सेकंड ये कि रात के टाइम ब्रश करके सोएं। ये मेरा चैलेंज है सब लोगों को कि जो लोग रात के टाइम ब्रश या मसवाक करके सोते हैं, एट द एज ऑफ 80 to 90 उनके दांत जो हैं वो 80% सलामत रहते हैं। ये मेरे घर में, मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद साहब की प्रैक्टिस है, मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ कि वो रात को हमेशा ब्रश करके सोते हैं। माशाल्लाह, ही इज 84 और अभी तक उनके सिर्फ 1 या 2 दांत खराब हैं, बाकी उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आप लोग रात के टाइम ब्रशिंग करें और सही ब्रशिंग टेक्निक अगर आपके पास हो तो आपके टूथ लॉसेस के चांसेस 80 to 90% कम हो जाते हैं। सही। अच्छा, हम वक्त की किल्लत की वजह से हम सवालात भी जो है वो साथ साथ अच्छा, हमें ऑडियंस के जी जी लेते करें हैं। करें। नसर खान पूछ रहे थे कि गर्म और ठंडा जो हमें दांतों पे लगता है उसकी क्या वजह होती है? सर देखें, अल्लाह ताला ने जो हमारा दांत है ना उसके 3 हिस्से बनाए हैं। जैसे आप, मैं इसकी मिसाल एक अंडे के देता हूँ। जैसे एक अंडा होता है तो अंडे के ऊपर सबसे ऊपर उसका छिलका होता है, अंदर उसकी सफेदी होती है, फिर उसके अंदर जर्दी होती है। इसी तरह हमारा जो ये दांत है, इंसानी दांत, उसके भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर जो आपको चिकनी जिल्द नजर आ रही है इसको हम डेंटिस्ट्री में बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये दांतों का बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ये इसीलिए खराब होता है क्योंकि इसके अंदर हमारी नसें होती हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है इनेमल, और उसके अंदर जो होता है वो होता है डेंटीन, जिसके अंदर हमारी नसें होती हैं। और जो सबसे एंड पे जो हमारा हड्डी वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पल्प।
तो जब हम दांतों को बहुत जोर जोर से रगड़ के साफ करते हैं, तो कुदरती तौर पे जो हमारा इनेमल, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिल्द होती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। और जब हम कोई ठंडी चीज या गर्म चीज पीते हैं, तो वो सीधा हमारी नसों के अंदर जाके लगती है। तो हमारा जो माइंड है, वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी ठंडी या गर्म आपकी नसों के अंदर जाके लगी है। तो अगर आप अच्छा ब्रश करने के साथ साथ अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक है, तो इनशाला आपके जो है इनेमल, यानी कि गर्म और ठंडा पानी लगने वाला मसला, वहीं पे ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके दांतों में ज्यादा मसला है ठंडा गर्म का, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर कोई भी सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें। एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँ, अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तो वह सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट जाके ले आता है और वो 6 महीने 4 महीने उसको लगातार इस्तेमाल करता रहता करता रहता। उसके बाद उसके दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद कमजोर होते हैं। तो जो भी अच्छा मेडिकेटेड चीजें, जैसे कि आपके सर में दर्द है तो आपने पैनाडोल की गोली खाई है, तो आपने एक ही गोली खाई है, आपका सर दर्द ठीक हो गया, तो आपने उसको खाना बंद कर दिया। जब आपके दांतों का दर्द ठीक हो गया, तो आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट छोड़कर रेगुलर टूथपेस्ट पे आ जाएं, कैल्शियम और फ्लोराइड वाले पे। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी का मसला है, एक तो वो अपनी ब्रशिंग टेक्निक ठीक करें। मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ब्रशिंग मॉडल है, मैं उसके जरिए ना ब्रशिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा आखिर में, ताकि लोगों को पता लगे कि राइट ब्रशिंग कैसे की जाती है, ब्रश को पकड़ना कैसे है, कौन कौन से दांतों पे कैसे ब्रशिंग करनी है। तो ताकि ना तो ठंडे गर्म का मसला हो, ना ब्लीडिंग गम्स का मसला हो, और दांत जो है वो आपके बिल्कुल ठीक रहे। चले ठीक है, आखिरी के 5 मिनट जो है वो हम इसके लिए डेडिकेट कर देते हैं सवालात लेने के बाद। अच्छा आपने वजह बताई, कैविटीज की वजह तो बताई, लेकिन अगर कैविटीज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जरा ब्रीफली, जवेरिया का ये क्वेश्चन है, जरा ब्रीफली आप बता देंगे। आई एम सॉरी सर, ये सर मैंने आपसे पूछा है कि जवेरिया का क्वेश्चन था कि वो पूछनी कैविटीज की ट्रीटमेंट क्या है। सर, दोबारा जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, थोड़ी सी इश्यू था, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। जी मैं पूछ रहा हूं कि कैविटीज की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, कैविटीज का ट्रीटमेंट बता दिएगा। अच्छा सर, देखें, कैविटीज का ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होता है कि कैविटीज को पहले चेक किया जाता है कि कैविटी है कितनी। अगर आपके आप उसको डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग करवा सकते हैं, तो फिलिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल फिलिंग और एक होती है कंपोजिट फिलिंग, यानी पक्की फिलिंग। तो कोशिश कीजिए कि आप पहली मर्तबा में ही कंपोजिट फिलिंग यानी पक्की फिलिंग करवाएं दांत में, ताकि आप जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खुराक के पार्टिकल्स आपके दांत के अंदर जाके ना फंसे। अगर वो दांत के अंदर जाके फंसेंगे, तो वो वहीं पे गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे और उससे आपको ज्यादा कैविटी हो जाएगी। तो एक तो कैविटी से सही, बचने के लिए हमेशा रात के टाइम ब्रश करने की आदत डालें, और जब भी कैविटी हो जाए तो उससे घबराएं मत, डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और कैविटी के अंदर फिलिंग करवा लें, तो वो आपका दांत बच जाएगा। और अगर आपने उसको ज्यादा महफूज करना है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर कैपिंग करवा लेनी, ठीक है? कैप लगवा लेंगे तो आपके दांत ज्यादा महफूज हो जाएंगे। सही। आगे बढ़ते हैं, मरियम पूछ रही है कि टूथपेस्ट अगर यूज ना करें उसकी बजाय अगर हम नमक का इस्तेमाल करें दांत साफ करने के लिए, तो उसके बारे में क्या मशवरा है? सर आप मुझे सुन सकते हैं? सर आप मुझे सुन रहे हैं? नाज़रीन कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से मुदस्सिर शेख साहब से हमारा रابطہ मुंतका हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं दोबारा जो मुदस्सिर साहब हैं वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। हमने मुदस्सिर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर अच्छा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही है। मरियम पूछ रही है कि अगर टूथपेस्ट की बजाय हम नमक का इस्तेमाल करें दांत साफ करने के लिए, तो उसके बारे में क्या मशवरा है आपका? देखिए, पुराने जमाने में तो लोग ऐसे ही दांत साफ करते थे जब टूथपेस्ट नहीं निकला था। आप कोयले के अंदर नमक मिलाकर साफ किया करते थे, उसके बाद फिर मंजन आया, फिर मंजन से पहले मिसवाक किया करते थे, जो कि सुन्नत-ए-नबवी भी है, मिसवाक करनी चाहिए, मिसवाक से हमेशा दांत ठीक रहते हैं।
नमक देखें, एक नमक एक ऐसी चीज है जो कि आप सिर्फ 2 या 3 मरतबा, 2-3 दिन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है। और दांत के अंदर अगर नमक ज्यादा देर रहेगा तो आपके जो गम्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप नमक ज्यादा देर इस्तेमाल ना करें। अगर आपने ज्यादा कोई इशू है तो आप 1 मरतबा दिन में, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, नमक के अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड करके आप उससे अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। सही। आगे बढ़ते हैं सर, एक बहुत अहम सवाल आता है सामने, जो लोग ब्रेसिस इस्तेमाल करते हैं वो जी किस तरह अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं ऐसे तरीके से? देखें, जो ब्रेसिस होते हैं ना, ब्रेसिस जो लगवाते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो ब्रेसिस जो लोग लगवाते हैं उनके दांत जो हैं वो 35% जो हैं वो वीक हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ब्रेसिस लगवाने की वजह से। और ब्रेसिस के लिए जो है ना स्पेशल टूथब्रशेज मिलते हैं मार्केट में, तो उसको ब्रेसिस ब्रशेज कहते हैं। वो उसकी एक शेप ऐसी होती है कि वो आपके ब्रेसिस के ऊपर फिट तरीके से आता है, और वहाँ पे ब्रेसिस के जो इर्द गिर्द आपका दांत का सरफेस होता है वो उसको साफ करता है। उसके लिए आप एक स्पेशल ब्रश किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, वहां से आपको ब्रेसिस के लिए स्पेशल ब्रशेस मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपने ब्रेस और ब्रेसिस वाले स्पेशली जो है वो अपने दांतों को बहुत ज्यादा केयर करें, क्योंकि उनके दांतों में कैविटीज लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके फूड पार्टिकल्स आपके ब्रेसिस के अंदर काफी देर तक रहते हैं। इसलिए उनको वो वाला ब्रश ही लेना चाहिए जो कि ब्रेसिस के लिए स्पेशल बना है, वो मिल जाता है किसी भी आम स्टोर से। सही। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेता चलूं कि जो लोग हमेशा अपने दांतों को चमकदार रखना चाहते हैं, वो उनको कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, जो जो चीज़ें हमें डेली बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए वो ये है कि आप मिल्क लें, और उसके अलावा ऐसी प्रोटीन वाली डाइट लें जो कि आपके दांतों के लिए अच्छी है, जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें लें। बहुत सारी ऐसी कुदरती चीज़ें हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है, जैसे बंद गोभी है, बंद गोभी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। उसके अलावा आप कैल्शियम वाली टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि दांतों से स्टिकी फूड ना हो। लाइक जिस तरह आप कैंडी टॉफी चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो आपके दांतों के अंदर स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं, तो आप स्टिकी फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे कि बेवरेजेज हैं और ये जूसेज हैं, पैकेट वाले, टेट्रा पैक वाले जूस हैं, ये आपके दांतों को बहुत जल्दी खराब करते हैं। तो आप कोशिश करें नेचुरल चीजें खाएं, उसके अंदर आप मक्खन खाएं, दूध, दही, अंडा वगैरह खाएं, और आप उसके अलावा मीट ले सकते हैं, उससे आपके दांत खराब नहीं होते। जो दांतों को खराब करने वाली सबसे ज्यादा चीज है ना, वो ये है कि आप फास्ट फूड खाते हैं और रात को मुंह बंद करके सो जाते हैं। तो प्लीज, अगर आपने किसी ने फास्ट फूड भी खाना है तो खा के फौरन अच्छी तरह 2 मरतबा कुल्ली करें, ताकि दांतों के ऊपर बचे हुए पार्टिकल्स निकल जाएं, और रात के टाइम ब्रश करके सोएं, ताकि आपके दांत हमेशा सेफ रहें। और अगर आप रात के टाइम ब्रश करने की आदत नहीं है, तो सिर्फ 3 से 4 दिन आप रात के टाइम ब्रश करने की आदत डालें, उसके बाद फिर आपको चैन नहीं आएगा रात को ब्रश किए बिना सोने के लिए। तो कोशिश करें रात को ब्रशिंग करें और हेल्दी चीजें खाएं, कैंडी टॉफी, चॉकलेट्स, बर्गर, इस तरह की चीजों से अवॉइड करें, वंस इन अ वीक खा लें, और खा के फौरन कुल्ली कर लें अच्छी तरह। और ब्रशिंग की टाइमिंग जो मैंने आपको बताई है कि मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रश करना है, और रात को सोने से पहले ब्रश करें, और 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि 10-10 मिनट तक ब्रश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह से आपने कहा, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है और ब्लीडिंग क्यों होती है, वो इसलिए होता है कि ज्यादा देर ब्रश करेंगे तो आपका इनेमल बाहर से उतर जाएगा, तो जो खाना खाएंगे पियेंगे वो आपकी नसों में लगेगा। तो 2 मिनट मैक्सिमम टाइम है ब्रश करने का, 2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग आपने नहीं करनी, इस तरह आपके दांत सेव हो सकते हैं। सही। जो नाज़रीन हमसे सवालात कर रहे हैं, मुदस्सिर साहब बेशतर सवालात के जवाब जो है वो दे चुके हैं। उन्होंने कैविटीज का बताया, दांतों में कीड़ा लगने के बारे में बताया, मसूड़ों से खून के बारे में बताया। तो अगर आपका कोई सवाल मिस हो गया तो मैं आपको आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये शो जब रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आप ये दोबारा देखिएगा, और इंशाल्लाह आपको जरूर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। मुदस्सिर साहब, जरा हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आप वो तरीका बता दें कि जिस एक सही तरीका जो होता है ब्रश करने का अपने हमारे नाजरीन के लिए, ताकि वो इस पर अमल करके अपने दांतों को हमेशा जो है वो ठीक रख सके। जी बिल्कुल, मैं आपको दांत साफ करने का तरीका बताता हूँ कि हमने ब्रश कैसे करना है और हमने पकड़ना कैसे है ब्रश, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और टूथपेस्ट लगाना कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मार्केट में जाके एक सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने के लिए ले आना है। सॉफ्ट ब्रश लेके आके फिर उसके बाद टूथपेस्ट चूज करना चाहिए,
ज्यादातर जो है ना डेंटिस्ट कहते हैं कि हमने हमेशा कैल्शियम एंड फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लेना है। तकरीबन हर टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम और फ्लोराइड लाजमी होता है। तो वो जो आप जो सा मर्जी लाइक करें, जस्ट लाइक मैं एक दो ब्रांड्स के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि कोलगेट, तो मैं खुद ही कंपनी में हूँ। तो उसके अलावा आप दो तीन और भी ऐसे टूथपेस्ट हैं जो कि यूज कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम क्योंकि जब हम लोग दूध वगैरह पीते हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तो हमारी बोन्स, हमारे नेल्स और हमारे टीथ कैल्शियम से बने होते हैं। तो आप कैल्शियम वाला कोई भी टूथपेस्ट ले लें। अच्छा, टूथपेस्ट लगाना कितना है? बहुत सारे लोग होते हैं वो टूथपेस्ट को लगा के ब्रश को भर लेते हैं, इससे आधा तो वो ज़ाया हो जाता है, नीचे सिंक में गिरता है, और आधा टूथपेस्ट जो है वो आपके दांतों को साफ करता है और बड़ी मुश्किल से दांत साफ होते हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक टूथ मॉडल है, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो। सर, नज़र आ रहा है? जी जी बिल्कुल। मैं बताता हूँ कि इसके जरिए ब्रश ब्रश कैसे करते हैं, हमें ब्रश बेसिकली करना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो आपने ब्रश को पकड़ना है जस्ट लाइक ऐसे, थ्री फिंगर्स के अंदर। ठीक है सर, आपने इस तरीके से ब्रश को ठीक है बिल्कुल भी नहीं पकड़ना। इस तरीके से ब्रश को पकड़ेंगे तो आपके पूरे बाजू का फोर्स आपके दांतों पे आ जाएगा। अगर आपको ब्रश को थ्री सही फिंगर्स में ऐसे पकड़ लेंगे तो सिर्फ आपकी तीन उंगलियों का जोर आएगा। उसके बाद हमने दांत सॉफ्ट साफ हैंड के करने साथ। हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ। अब दांत कैसे साफ करने चाहिए? दांत साफ करने चाहिए, दांत साफ करने के मैंने तीन जो है ना इजी स्टेप निकाले हुए हैं। उसको आपने कैसे साफ करना है? जो हम जब किसी से बात करते हैं या हम मुस्कुराते हैं तो हमारे सबसे पहले सामने वाले दांत नजर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटीरियर टीथ। सबसे पहले हमने उसको साफ करना है। अब आप देखेंगे नॉर्मली हम बचपन में क्या करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमने ब्रश ऐसे करना है। शायद आप भी ऐसे ब्रश करते हो, या बहुत सारे नाजीन जो देख रहे हैं वो इस तरह से ब्रश करते हैं स्ट्रेट ना। इस तरह ब्रश करने से आपके जो ज्यादातर ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपके गम्स के अंदर चले जाते हैं और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपने ब्रश करना कैसे है? पहले तो पकड़ना सीख ले, थ्री फिंगर्स में ब्रश पकड़ लें। अब आपने करना कैसे है? अब करना ऐसे है कि आपने हमेशा जो आपके फ्रंट टीथ हैं, आपने फ्रंट टीथ पे हमेशा ऐसे राउंड या सर्कल बना के ब्रश करना है, और बहुत आराम से, ताकि आपके दांतों के हिफाजत भी होती रहे और आपके गम्स के अंदर आपके ब्रश के बाल ना जाएं। ठीक है जी, तो सामने वाले टीथ में हमेशा आप सर्कल में करके ब्रश करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है जी, उसके अलावा हमने अपने ठीक। अब अंदर के दांतों को कैसे साफ करना है? ब्रश को टर्न करके इस तरीके से हमने अपने अंदर के तमाम दांतों को पहले ऊपर वाले कर लें, और उसी के बाद इसी तरह नीचे के दांतों को नीचे में अच्छी तरह साफ कर लें। जी, जो सबसे जरूरी चीज है, लोग जो है वो दांत सिर्फ सामने वाले साफ करते हैं, दांतों की बैक साइड को भी साफ करना होता है, क्योंकि वहां पर भी कैविटीज लग सकती हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, सही। अंदर वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है। तो हमने इसको भी कैसे साफ करना है? इसको भी हमने सिंपली ब्रश को बाहर की तरफ मूव करके आराम आराम से इस तरीके से साफ करना है। ये तीन जो सिंपल स्टेप हैं, और इससे आपके इंशाल्लाह ताला दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और दिन में अगर 2 मरतबा दांत साफ करने की आप लोग नाजरीन अगर आप आदत डाल लें, रात के टाइम सोने से पहले और सुबह उठ के पहले नाश्ता करें, उसके बाद अपने दांतों को साफ करें, तो इनशाला आप दूसरी बीमारियों से भी बच जाएंगे। नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह, देखें 80% बीमारियां हमारे मुंह के जरिए हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं। अगर तो हमारा मुंह ही गंदा रहेगा तो हमारा जिस्म भी जो है वो बीमार होता रहेगा। तो अपने दांतों को साफ रखें, हेल्दी चीजें खाएं, और अपने दांतों को हमेशा 2 मिनट तक साफ करें, और टूथपेस्ट हमेशा फ्लोराइड वाला लें। और उसके अलावा अपने दांतों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। जब भी दांतों में दर्द हो तो आप डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें। ठीक है सर, ये सिंपल सा तरीका था ब्रश करने का। तो अगर किसी को इसके बारे में वीडियो भी चाहिए वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो भी देख लें, ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ब्रश को पकड़ना कैसे। मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं है। अपने फ्रंट टीथ को आपने हमेशा सर्कल्स में साफ करना है, अगर आप रगड़ के करेंगे तो वो आपके दांत खराब हो जाएंगे, ब्लीडिंग कम होगी और आपको ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाएगा। सही। अब ये था आज का शो। हम लोग बात कर रहे थे मुदस्सिर शेख साहब से, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कोलगेट पाल्मोलिव में, और आपको गाइड कर रहे थे कि किस तरह आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने दांतों को कैविटीज से, मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचा सकते हैं। मुदस्सिर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने फाइनल वेलकम कमेंट्स दे दीजिए ताकि हम। सर। सबसे पहले तो आप सबका, पूरी टीम का शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं,
और इसी तरह हम भी जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं। हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे पाकिस्तान का विजिट किया है, मैंने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा स्कूल्स में जाके मैंने ऑलमोस्ट 5 मिलियन बच्चों को मैंने ब्रशिंग टेक्निक सिखाई हैं और उनको सही बताया कि ब्रश कैसे करते हैं। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, और आपके प्रोग्राम के तवस्से से ये बताना चाहता हूँ कि आप सबका शुक्रिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिशान बेग, उनका भी बहुत शुक्रिया जो कि इस वक्त देख रहे हैं, और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया जो कि इस तरह फॉलो कर रहे हैं। बस मेरी यही गुजारिश है सब लोगों से कि दांत जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो 32 दांत ही ज़िंदगी में आते हैं, 32 के बाद दोबारा ज़िंदगी में दांत नहीं आते। तो इसलिए अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास जाने से बचना चाहते हैं तो हमेशा दिन में 2 ब्रश करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें। ब्रश सिर्फ 2 मिनट करना है, और हमेशा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, कैल्शियम वाला टूथपेस्ट यूज़ करें, और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि आपके दांतों को ख़राब कर सकती हैं। और सर थैंक यू वेरी मच, बस मुझे यही फाइनल कमेंट्स देने थे। अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन है किसी ऑडियंस का तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अगर ऑडियंस जो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया वो दोबारा से ये शो देखे तो उनको मेरा ख्याल भरपूर फायदा होगा। आपने मतलब बहुत एहसन जी अंदाज चलो में जो है जी दांतों की सफाई और हिफाजत के बारे में बताया है। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, घरों के अंदर इसकी तरगीब नहीं दी जाती। एक और मैं आपको फाइनल बात बताना चाहूँ, एक बात और बताऊँगा, उसमें ये है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है ना अपना ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग गुसल खाने में या वॉशरूम के अंदर रख के आ जाते हैं, उससे बीमारी फैलने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये देखें कि हम लोग सही जब भी कोई खाने की चीज़ लेके आते हैं बाहर से, तो हम तो उसको बाथरूम में नहीं रखते ना, हम लोग उसको अलहदा से फ्रिज में रखते हैं या बाहर अंदर जा रही है, जिससे हम अपने मुंह को साफ रख रहे हैं, तो हम उसको कैसे मान लें कि हम उसको वॉशरूम के अंदर रखा है। और हम जब वॉशरूम से करके बाहर निकलते हैं तो हमारा जो है ब्रश कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह तो हेपेटाइटिस और बीमारियां फैलती हैं किसी और का ब्रश यूज करने से। तो कोशिश करें अपना ब्रश अलग रखें हमेशा, और अपने ब्रश को मॉनिटर करते रहें, 3 महीने से ज्यादा ब्रश यूज नहीं करना, उसके बाल टेढ़े हो जाते हैं और वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात बतानी थी कि अपना ब्रश हमेशा वॉशरूम से बाहर रखें, और आपका ब्रश कोई और यूज भी कर सकता है, आपका ब्रश जमीन के ऊपर भी गिर सकता है, तो कोई अगला बंदा तो नहीं धो के रखेगा आपका ब्रश, तो वैसे ही रख देगा तो आपके मुंह के अंदर जरासीम चले गए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो लोग अपना ब्रश वॉशरूम के अंदर ना रखें, वॉशरूम से बाहर किसी सेफ जगह पर रखें। सही, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर शेख साहब, मुझे तो बहुत फायदा हुआ, मैं तो आज से आपकी तरगीब पे अमल करूंगा, उम्मीद करता हूँ नाजरीन भी अमल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं और नेक्स्ट भी कोई सेशन अगर कोई में क्वेश्चन है नए तो आप बहुत पूछ सकते हैं, अगर कोई ऑडियंस में से है तो। ऑडियंस के क्वेश्चंस। मेरे ख्याल हम सब ले चुके हैं, अगर मजीद ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं तो वो वही रेपिटेटिव बातें हैं, जी तो सर इंशाल्लाह अगर दोबारा शो देखेंगे तो वो जरूर उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी जी सर, आपको यूनिवर्सिटी आवाज़ आ रही है। आप तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। श्योर नाज़रीन सर, अब तक के लिए इतना ही, अपने होस्ट उस्मान से आलवी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।